नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका या लंदन के दौरे पर हों और कंट्रोवर्सी खड़ी ना करें, कुछ ऐसी बातें ना करें जो देश की जो सोल है, जो आत्मा है, उस पर प्रहार होते हुए दिखाई ना दे। देश के भीतर जो हारमोनी है, जो सद्भावना है, जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, विविधता में जो हमारे यहाँ की सुंदरता है, उस पर कोई चोट ना हो, या जो हमारे यहाँ के सिस्टम हैं, जो डेमोक्रेसी के आधारभूत स्तंभ हैं, उन पर वो प्रहार ना करें या सवाल खड़े ना करें, ये कैसे हो सकता है? और ये हम बरसों से देखते हुए आ रहे हैं। ये हमने उनकी लंदन यात्रा के समय भी देखा है, ये इससे पहले उनकी अमेरिका यात्रा के समय भी देखा है। जब जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं तो हमेशा उनका जो रवैया रहता है वो ऐसा ही रहता है, और वो भारत को बदनाम करने की कुचेष्टा करते हैं, कुटिल नीति पर काम करते हैं। आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है? एक मकसद और उनका मर्म ये समझ में आता है कि वो कुंठित हो चुके हैं। उनको पता है कि सीधे सीधे रास्ते चल करके वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। देश की जनता उनको सीरियसली लेती ही नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो वास्तव में अब भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुके हैं, और इस रास्ते पर चल करके वो किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ और उनके बयान आए हैं, उन बयानों पर चर्चा करते हुए सीधे जुड़ लेते हैं। प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले तो चौंकाने वाला एक बयान सुन लेते हैं जो राहुल गांधी ने कल अमेरिका में दिया है। अंडरस्टैंड व्हाट द फाइट इज अबाउट। फाइट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दैट इज सुपरफिशियल। व्हाट इज योर नेम ब्रदर हियर विद द टर्बन? व्हाट इज योर नेम? बलिंदर सिंह। द फाइट इज अबाउट वेदर ही एज अ सिख is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all. Anupam ji, ये हम ब्रिटेन के बारे में भी सुनते थे, अमेरिका के बारे में भी सुनते थे, अफगानिस्तान के बारे में भी सुनते थे, दुनिया के कुछ दूसरे देशों के बारे में भी, कि सिखों पर हमला हुआ है, नस्लीय हमला हुआ है। उनकी, चूंकि वो पगड़ी पहने हुए थे या कृपाण रखे हुए थे, तो उन पर अटैक्स हुए हैं। ये भारत में कब राहुल गांधी ने देखा कि किसी को कड़ा पहनने पर धिक्कारा गया हो, मारा पीटा गया हो, पगड़ी पहनने पर रोका गया हो, या गुरुद्वारे जाने से रोका गया हो, या जो भी धार्मिक उनके कामकाज होते हैं उसमें किसी तरह की बाधा डाली गई हो? यहाँ तक के ऐसे भी सीन हमने देखे हैं पिछले दिनों, प्रधानमंत्री आवास में जब सिखों का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया तो एसपी जी ने बाहर उनके कृपाण और तलवारें वगैरह नहीं रखवाई, उनको उनके साथ अंदर जाने दिया गया। इस तरह की चीज़ें, और कौन नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब भी गुरुद्वारों में जाते हैं तो पग पहन करके जाते हैं, पगड़ी पहन करके जाते हैं। खुद इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी मेरे पास एक चित्र है, वो भी अपने साथियों के साथ एक गुरुद्वारे में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक विजुअल और देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पगड़ी पहने हुए एक गुरुद्वारे के भीतर है।
लंबा वीडियो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल चर्चा पर आगे बढ़ूंगा। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो प्रधानमंत्री सिख गुरुओं और उनके साहबजादों के लिए भी समय समय पर इतना अधिक श्रद्धा का आस्था का भाव रखते रहे हों, और जब इमरजेंसी के समय वो भूमिगत रहे थे तो सिख वेश ही उन्होंने धारण किया था, ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसी सरकार पर और उनके समय के भारत पर राहुल गांधी के ये झूठे नैरेटिव, झूठ अमेरिका की धरती पर आखिर क्यों? ओंकार जी देखिए, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। मुझे इस बात का थोड़ा सा एहसास रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे कभी भी कोई अपशब्द प्रयोग मैंने आज तक जीवन में नहीं किया, किसी को मूर्ख बेवकूफ तक नहीं किया। लेकिन अब ये बात इतनी ज्यादा घटिया है कि मेरे को इसको बकवास कहने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। आप मनमोहन सिंह और मोदी को तो जाने ही दें, तो मोदी खुद ही पगड़ पहन के जाते हैं। बीच में एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, किसी ने किया तो मुझे याद नहीं है उनका, उन्होंने कहा था कि श्रद्धा है इसलिए पगड़ी पहन के आया है गुरुद्वारे, वरना तुम्हारे 2% वोट के लिए नहीं आया है। वो तो टोपी ना पहन के 20% वोट पहले ही इनकार कर चुका है। जो आदमी टोपी ना पहन के 20% वोटों को ठुकरा चुका है वो 2% वोट के लिए नहीं आया, वो पगड़ी शायद पहन के आया है। शायद रमणीक सिंह मान ने ये लिखा था, किसी ने लिखा था, बड़ा वायरल हुआ था, एक किसी सिख ने लिखा था कि साहब श्रद्धा है इसलिए आए हैं, वरना 2% वोट के लिए नहीं आए, वरना वो तो टोपी इनकार करके 20% वोट ठुकरा चुके हैं, तो 2% वोट के लिए नहीं आए। वो भी आज आप इस समय ऐसे समय कह रहे हैं जब आपके दो दो सिख मिनिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो हारे हुए हैं रमणीक सिंह बिट्टू और दूसरी हरदीप पुरी लगातार मंत्री बने हुए हैं मोदी सरकार में। तीसरे, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कमीशन उसका चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता है, ये पहली बार लालपुरा है, पहली बार लालपुरा एक फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं, ये इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि उन्होंने भिंडरा वाले को गिरफ्तार किया था। तो पहली बार आप एक सिख चेयरमैन देख रहे हैं साहब, पहली बार एक आप सरदार चेयरमैन देख रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन में। उत्तर प्रदेश में भी सरदार आपको नजर आए थे, तो फर्स्ट टाइम सिखों को माइनॉरिटी माना जा रहा है, फर्स्ट टाइम उनको वो इज्जत दी जा रही है। और आप क्या बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं, हिंदू समाज में तो वैसे भी सिखों को अलग समझने की परंपरा ही नहीं है, वो दो चार खालिस्तानी टाइप के लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव चलाते रहते हैं, वरना तो आप वो गुरबानी सुनने और गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा है वो सुनने और गुरु नानक ने जो कहा है वो सुनने, भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने और कैसा कैसा लिखा, मतलब और भगवती के बारे में कैसा कैसा लिखा है, कोई वैसा दुराव बिखराव है नहीं। अब ये ऐसा है कि एक मोटी सी बात समझें, जो 10 गुरु हुए हैं उनमें एक भी गुरु जाट सिख नहीं था, एक भी। जो पंच प्यारे हुए हैं 5 में से एक को पंजाबी नहीं था, वो जो पंच प्यारों को लेके सिख धर्म का शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो कोई बिहार से था, कोई यूपी से था, कोई कर्नाटक से था, एक भी पंजाबी नहीं था। लेकिन आज कुछ लोगों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करके भिंडरा वाले जैसे लोगों को शहीद और सिख पंथ को एकदम अलग और उसको क्या क्या उन्होंने इस्लाम के करीब ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। अब इसका क्या करें, चले उन लोग का अपना वो उनकी सनक है, उसके पीछे जो भी कारण है ISI है और तमाम चीज छोड़े, शुरुआत भी हुई इंदिरा गांधी के जमाने में, आपने खालिस्तान आंदोलन, आपने भिंडरा वाले बनाया, भिंडरा वाले भस्मासुर हो गया, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, कम से कम 15 साल तक पंजाब में, 10 साल तक तो राष्ट्रपति शासन ही लगा रहा, वो एक जट सिख था मर्द आदमी KPS गिल जिसने इन मामलों को ठीक किया, तो वो जिन्होंने सब देखा, हम तो स्कूल में थे उस दौरान, उसके बाद भी सब पता चलता था। तो आप नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का चेयरमैन भी सिख है, दो दो सिख उसमें मिनिस्ट्री में है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं इसका। सिर्फ एक आदमी समर्थन कर सकता है, उसने कर दिया पन्नू। पूरी दुनिया में राहुल गांधी के बयान का समर्थन सिर्फ एक आदमी कर सकता था और पन्नू ने कर दिया, क्योंकि भिंडरा वाले तो भय नहीं। तो कुल मिलाकर इतनी बकवास वाहियात, एक आदमी को पब्लिक से चुनना, कहना वो पगड़ी वाला जो आदमी है वो खड़ा हो, उसका नाम पूछना और उसके नाम के बहाने सिखों के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब अभी, मतलब ठीक है
राहुल गांधी तमाम चीजें कर रहे हैं, आज जाके इलहान उमर से मिल रहे हैं। इलहान उमर कौन है? इलहान उमर वो है जिसको अमेरिका ने अपनी विदेश फॉरेन कमेटी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? देखिए इलहान उमर दाहिने से दूसरी है, वो जो हिजाब पहने हुए, तो इनको फॉरेन अफेयर्स कमेटी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि भाई पहले ही ये पाकिस्तान पहुंच गई, इमरान खान के साथ खड़ी हुई और कश्मीर पे ढेर सारे भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बयान दिए कि कश्मीर पाकिस्तान का है, वो सब के लिए अमरीका को बहुत ठीक है, फर्क नहीं पड़ा। फिर ये लौट के गई इसराइल के खिलाफ आए ना बोलने लगी, उनका बस चले तो इसराइल को ही खत्म कर दे। इनको फॉरेन ये रेयरेस्ट फर्स्ट टाइम एक सेनेटर को आपने फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बर्खास्त कर दिया, कहीं इस लायक नहीं यहाँ पे रहे, आप जाके उनसे मिल रहे भैया। बस अब आईएसआई के जनरल्स के साथ फोटो इनकी आना बाकी है, बाकी तो सारे तीर्थ ये कवर कर चुके हैं। उनका जी एक बयान सुन लेते हैं साहब, सिखों के प्रतिनिधि हैं और चर्चित चेहरे हैं। आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत में जिस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं, मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके अब्दाली से लेके औरंगजेब से लेके गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे, हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज भी यदि है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है। इस भारत के अंदर देश के सबसे बड़े पौधों के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, उन सब के ऊपर सिख बैठे हैं और हम देश के लोगों को फख्र है, देश के लोगों को मान है सिखों के ऊपर। लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीति के लिए जिस तरह से दस्तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं आपके मन के अंदर जितनी नफरत है सिखों के प्रति, इसलिए सिखों के कातल जगदीश टाइटलर और कौन बोले थे साहब, बड़ा जबरदस्त बयान था। आई लव दिस स्टेटमेंट। बड़ा कौन सा आते हैं ये? मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। अच्छा सिरसा, और ओके ओके जी जी। एक इनमें दो बातें इसमें गौर करने की, पहली बात जी जी कि भारत में गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं थे सिर्फ एक दौर में, सिर्फ एक दौर में, वो 1984 का दौर था जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था। दूसरी बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि आपके अंदर की वो जो नफरत है वो निकल कर आ गई है, क्योंकि दिल में तो है ना कि हम मेरी दादी को मारा, तो वो नफरत निकल के आ गई और वो तब निकल के आ गई जब आप बार बार टाइटलर को सामने ले आते हैं। वो बूढ़ा हो चुका है टाइटलर, आप उसका पीछे नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि टाइटलर में आपको अपना एक ऐसा आदमी नजर आता है जिसने सिखों का कत्लेआम किया था, ये आपकी टाइटलर से मोहब्बत की वजह है। और साहब कौन नहीं जानता है अफगानिस्तान में जब गुरुद्वारे निशाने पर थे तालिबान के आतंकवादियों के, तो वहां से गुरु ग्रंथ साहब को कैसे सुरक्षित भारत लाया गया था, जो वहां बचे हुए गुरु ग्रंथ साहब थे और उनके साथ जो सिख संगत थी उनको लाया गया, और हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री सिर पर उन धार्मिक ग्रंथों को सिर पर लेकर के हवाई अड्डे से बाहर आए थे। इस तरह का परसेप्शन, इस तरह का परसेप्शन, भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार हवाई जहाज भेज के जो वहां गिने चुने सिख है उनको निकालती है, गुरु ग्रंथ साहिब को निकालती है, उनको सर पे रख के भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब लेके आता है। नहीं देखिए मेरी बात ये तो मैं मानता हूं कि किसी को आप ये लाइन आप बेच ही नहीं सकते। ये जो बकवास हुई है ये तो मेरे ख्याल से वो कांग्रेसी भी अकेले में सर पीट रहे होंगे। मैंने कई बार ओंकार जी आपको बताऊं, कई बार मैंने कांग्रेस के बड़े, मैं तो बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं से संबंध रहे हैं, कई बार उनको अकेले में अपने बाल नोचते हुए सर पीटते देखा है कि यार ये क्या बोल देता है, हम लोग निभाना हमको पड़ता है यार, डिफेंड हमको करना पड़ता है। तो इनकी इस बकवास पे मैं यकीन माने
अच्छा इनकी जो पार्टी के सिख नेता हैं वो कहां जाएंगे, वो किसको मुंह दिखाएंगे? क्या मनमोहन सिंह सामने आके ये बयान दे सकते हैं जो राहुल गांधी ने दिया है? क्या मनमोहन सिंह कह सकते हैं कि हाँ मुझे पगड़ी पहनने में दिक्कत आ रही है, गुरुद्वारा पे जाने में दिक्कत आ रही है? तो क्या बोल रहे? तो ये एक ऐसी लाइन है जिसपे किसी को भी कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप इसको समझे, अंतर सिर्फ इतना है ओंकार जी, सिर्फ एक शख्स इनकी इस बकवास को मान्यता प्रदान कर सकता था, वो है पन्नू आतंकवादी, और उसने कर दिया। उसका तो बयान आ गया साहब, उसने तो अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा हम उसका समर्थन करते हैं, 1947 से ही सिखों पर तरह तरह की बंदिशें भारत में लगाई गई हैं, और हम इसीलिए तो हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जनमत संग्रह करवा रहे हैं। इसको इस तरह समझें कि आतंकवाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू का समर्थन आ गया, कश्मीरी आतंकी उसको आतंकी जिहादी मैं कहता हूं इलहान उमर जिसको अमरीकी सरकार ने जिहादी मान के बर्खास्त कर दिया, उसका भी राहुल गांधी को समर्थन आ गया, अराजकतावादी जॉर्ज सरोस का भी राहुल गांधी को समर्थन आ गया, पाकिस्तान से तो बाकायदा इनके लिए आम आते हैं और पाकिस्तानी मंत्री ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी जीत जाएं, वहां से तो बाकायदा ऑफिशियली इनके लिए आम आ रहे हैं, चीन से ये ऑलरेडी गुप्त समझौता करके बैठे हैं, और कोई आपको भारत का देश का कोई दुश्मन नजर आता है क्या साहब, जिससे इनके संबंध और जाति तालुकात और बहुत घनिष्ठता ना हो? मुझे तो लगता है कोई बचा ही नहीं। एक आम तौर पर शांत रहने वाले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो भी फट पड़े हैं। उनका एक बयान मैं देख रहा था, दर्शकों से साझा करता हूँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, उन्हें उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है, ये बात एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की जो बड़ी भूमिका रही है उसको पूरा देश मानता है और उनका सम्मान करता है, उनके बारे में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल जी का यह दावा कि एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है एकदम निराधार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी तरह भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी जिस तरह के दावे उन्होंने अमेरिका की धरती पर किए हैं वे भ्रामक और तथ्यों से परे है। लगता है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल झूठ की दुकान खोल करके बैठ गए हैं। इस तरह की गलत बयानी से राहुल जी को परहेज करना चाहिए। वैसे तो ये सामान्य बयान दिखता है लेकिन असामान्य मैंने इसलिए कहा है कि राजनाथ सिंह आमतौर पर शांत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जिस तरह की बकवासबाजी राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर जाकर के की है उससे वो विचलित दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ अनुपम जी, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले इनके वहाँ जाने का और ये भारत विरोधी, हमारे समाज विरोधी, हमारे अलग अलग जो संप्रदाय हैं, जो समुदाय हैं उनके खिलाफ विश्वमन असत्य वक्तव्य देना, इसका मकसद एक्चुअल में क्या है? मकसद तो वो अपने पहले दौरे पे बता चुके थे ना, जब उन्होंने कहा था कि आप समझिए कि भारत बहुत बुरे हाल में और यूरोप और अमेरिका को भारत में दखल देके वहां के सरकार को बदलना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे आप सरकार सिवाय हमला करने की? और अब मतलब यूक्रेन समझ लिया है, अफगानिस्तान समझ लिया है, पाकिस्तान समझ लिया है, क्या समझ लिया है, लीबिया इराक क्या समझ लिया है भाई, या बांग्लादेश समझ लिया है, बांग्लादेश समझ लिया है, क्या समझ लिया है कि तुम जाके उनसे मदद मांग रहे हो? और इतनी बेशर्मी की लिमिट देखे, पहली बात सुने, जब कोई भारतीय शख्स विदेश की धरती पे जाकर ये कह रहा है कि विदेशी ताकतों को हमारे देश में आकर सरकार बदलनी चाहिए, ये खुला देशद्रोह है। जवाब इस पे राहुल गांधी से नहीं बनता है, जवाब बनता है सरकार से इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हुआ। जब मणिशंकर अय्यर
लाहौर जाके ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों तुम हमारा साथ दो तो हम मोदी को हटा दें, सर ये क्या साथ देंगे, क्या साथ देंगे ये आपका, और कैसे हटा देंगे, मतलब कभी कभी इरिटेशन होता है, हंसी भी आती है, क्या कर भाई। फिर कह रहा हूँ क्या समझ लिया है, बांग्लादेश समझ लिया, पाकिस्तान समझ लिया, अफगानिस्तान समझ लिया, इराक समझ लिया, लीबिया समझ लिया, क्या समझ लिया है? अरे क्यूबा का आप कुछ नहीं कर पाए, आपकी आपके इतने बड़े कॉन्टिनेंट के नीचे एक पिद्दी बराबर आइलैंड 100 साल से आपकी नाक में नकेल डाले हुए, क्यूबा का आप कुछ नहीं कर पाए, और आप कह रहे हैं कि अमरीका आके यहां पर सरकारें बदल देगा। फिदल कास्ट्रो का आप कुछ नहीं कर पाए, नॉर्थ कोरिया का आप कुछ नहीं कर पाए, और आप भारत में सरकार बदल देंगे, तमाशा है मतलब। और इस तरह की उम्मीद रखना भी पागलपन है, इस तरह की उम्मीद रखना भी पागलपन है। और ये डोनाल्ड लू क्यों आ रहा है, ये भारत की यात्रा पर भी आ रहा है और बांग्लादेश की यात्रा पर भी आ रहा है, ठीक ऐसे समय जबकि बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ है 5 अगस्त को, और राहुल गांधी जो है वो अमेरिका की यात्रा पर है, ठीक ऐसे समय इनके बारे में खबर आ रही है कि ये भारत में भी 2 दिन रहेंगे और बांग्लादेश भी जाएंगे। डोनाल्ड लू कौन है पहले समझ लें, डोनाल्ड लू वैसे तो अमरीकी है, अमरीकी में असिस्टेंट मिनिस्टर यानी आप डिप्टी मिनिस्टर आप समझ लें वहां पे विदेश मंत्रालय का, लेकिन उससे खतरनाक बात क्या है कि डोनाल्ड लू उस वो एक चीन से आए हुए परिवार का बच्चा है, मतलब उसके माँ बाप और उसके दादी दादा सब चीनी थे, तो वो आके यहाँ पे चीन में बस गए। और साहब पहले भी अमरीका में इस तरह की बात हो चुकी है, अमरीकी सरकार इस पे रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है कि चीनियों ने बड़ी मात्रा में हमारे अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को पूरे एस्टैब्लिशमेंट को इनफिल्ट्रेट कर लिया है, हमारी व्यवस्था के हिस्सा बन गए। ये डोनाल्ड लू वही है, उसको खास नफरत है भारत से, वो हमारे 2024 के चुनाव में भी चला आए थे, उन्होंने ही बांग्लादेश में जा, अच्छा बांग्लादेश जाता है तो वो जाके जमात इस्लामी से मुलाकात करता है जबकि जमात इस्लामी में बैन रहता है। एक चीज आप सोचे, जो संस्था बैन है उसके लिए अमरीकी विदेश मंत्री आपके देश में आके कैसे मुलाकात करता है, पर वो करता है। और जब से कश्मीर में चुनाव की बात हुई है आप देख रहे जितने अमरीकी डिप्लोमेट हैं वो घर घर जा रहे हैं, वो आपको उमर फारूक के साथ उमर अब्दुल्ला के साथ नजर आते हैं, वो आपको मुफ्ती सईद के साथ नजर आते हैं, वो आपको ओवैसी के साथ नजर आते हैं, वो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आते हैं, बस राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आते क्योंकि राहुल गांधी खुद ही अमरीका पहुंच जाते हैं, तुम मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आते हैं, परेशान है कि साहब किसी तरह पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, परेशान है कि किसी तरह कश्मीर में हालात फिर वही हो जाए। बात को समझे, जो अमरीकी गवर्नमेंट है वो इस समय लिबरल गवर्नमेंट है, ये वही गवर्नमेंट है जो देश में और दुनिया में अराजकता चाहती है, ये वही गवर्नमेंट है। आप समझे जो बाइडेन की जो सरकार है वो लिबरल गवर्नमेंट है, कमला हैरिस की जो सरकार है वो लिबरल गवर्नमेंट है, ये वही गवर्नमेंट है जो जो इसराइल को भी जिससे प्रॉब्लम थी, कुल मिलाकर इनको भारत पहले दिन से नहीं पच रहा है और फिर पचना भी नहीं चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी गए थे डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव प्रचार करने के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है बाइडेन आए हैं तो उन्हें बहुत पसंद तो नहीं आएगा। तो पहले दिन से जब से बाइडेन सरकार डेमोक्रेट्स की सरकार जब से बनी है तब से वो भारत विरोधी उनका अपना एक नजरिया रहा है और भारत विरोधी उनके बयान और तरीके रहे हैं, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, इसमें नया कुछ नहीं है सर। अनुपम जी एक बयान और सुन लेते हैं इनका और एक ट्वीट भी सुन लेते हैं फिर उस विषय पर आते हैं। यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना, पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स थर्ड कोर्स होता है, एक थाली मिलती है सब कुछ उसके अंदर होता है, सही बात है ना। अब थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी दाल चावल सब मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता है, वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना। तो इंडिया का नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा?
माथा पीट लेने की इच्छा होती है इनके इस तरह के बयान सुनकर के, कहना क्या चाहते हैं? कुछ समझ में आया क्या अनुपम जी? मैं बताता हूँ कहना क्या चाहते हैं। उनसे एक स्टेज पे एक मॉडरेटर ने सवाल पूछा कि साहब आप यूक्रेन के युद्ध में और गाजा के युद्ध में आप अमेरिका की क्या भूमिका देखते हैं? अब साहब सवाल तो प्रिपेयर करके गए थे नरेंद्र मोदी पे, तैयारी थी तो नरेंद्र मोदी और चीन पे, पूछ लिया अमरीका के बारे में। अब मैं आपको वर्बाटिम जवाब बता रहा हूँ, मैंने इसको ट्वीट किया, मेरे ट्विटर पे जाके देख लें। बोले अमेरिका महान लोकतंत्र है, अमेरिका की बड़ी भूमिका है, लेकिन चीन में जो हो रहा है, चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका क्या करें? मतलब पागलपन की लिमिट भाई। वो आपसे पूछ रहे हैं अमेरिका की गाजा और यूक्रेन में क्या भूमिका है, और आप चीन में कह रहे हैं चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चीन का जो निर्माण क्षेत्र, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अरे ये सवाल तो तैयार ही नहीं किया था, कहीं की बात कही, मतलब कोई बेसिर पैर। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कारजी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अब नाम नहीं ले सकते, मैं कैसे बताऊं आपको कितने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैंने अपने लिटरली माथा ठोकते और बाल नोचते देखा है कि इस पागलपन की बातों का क्या जवाब दे, इनको कैसे डिफेंड करें। कल तो स्टेज पे ही साहब जो सवाल पूछ रहे थे वो तो जब इंडी एलायंस के बारे में सवाल पूछ लिया गया और ये आए बाएं साए करने लगे तो जरा भाव देखिए उनके, मैं चित्र दिखाता हूँ दर्शकों। नहीं नहीं, नहीं, नहीं हाँ, उनके भाव पहले कान खुजा रहे थे, फिर मोजा ठीक कर रहे थे, फिर हंसी छुपा रहे थे, ये मॉडरेटर थे। यस, और ये पानी पीने लगे, फिर जब गलत जवाब दे दिया क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। इस ट्वीट की मैं बात कर रहा था, इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी यूएस से जाकर के पगला गया है क्या? राहुल गांधी ने मीडिया में ज्यादा प्रभावशाली लोग ऊंची जाति से हैं ये कहा, क्या मतलब है ये सब बोलने का? कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हो भाई? तो मीडिया पर ऊंचे तबके के ही लोगों का ये ऊंच नीच, ये गिरे हुए ये उठे हुए, ये अमेरिका में जाकर के बातें करने का क्या मतलब है साहब? सर मैं उन लोगों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता हूं जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी को अमेरिका जाके कुछ हो गया है। राहुल गांधी इस तरह के बेसिक पैर की बातें इंडिया में भी करते रहे हैं, लगातार करते रहे, जिस दिन से राजनीति में आए हैं उस दिन से करते रहे। और मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बाकी चीजें छोड़ें, राहुल गांधी और गांधी परिवार को मैं अपना नेता मान लूंगा अगर वो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों के जवाब दे दे। मतलब इतने खुले आरोप वो आप पे लगा रहे, इतने खुले आरोप लगा रहे। बांग्लादेश का एक पत्रकार कुछ लिखता है शोएब चौधरी, तो आप कर्नाटक में मुकदमा कर देते हो। सुब्रमण्यम स्वामी तो वही दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं भाई, उनको बोलो ना, उन्होंने तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं मुझे मुकदमा हो, मुकदमा हो तो मैं जो बातें अभी मीडिया में कह रहा हूं मैं कोर्ट में साबित कर पाऊंगा। वो तो कहते हैं कि गांधी परिवार में नेहरू से लेकर राहुल तक आज तक कोई कॉलेज पास ही नहीं किया, सबके सब फेल करके सब छुपाया जाता है। वो तो कहते हैं कि सबके सब ड्रॉप आउट है, राहुल राजीव गांधी संजय गांधी इंदिरा गांधी इन लोग के बारे में तो हम जानते हैं ड्रॉप आउट हो सकते हैं। नेहरू सोनिया गांधी को तो उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने झूठा बताया। राहुल गांधी को बता रहे हैं कि देखिए साहब ये प्रियंका गांधी का बता रहे हैं वो उनका। आप मतलब आप नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगते हो, वो तो आपके पूरे खानदान 6 पुश्तों की डिग्री मांग रहा है, और मांग नहीं रहे, दे रहा है, आप उसे सिर्फ झूठा साबित कर रहे। ये बताइए, ये जो एक चर्चा चल रही है कि ये 2029 का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, उससे पहले ही मोदी सरकार की विश्वसनीयता को लेकर के, लेजिटमेसी को लेकर के सवाल खड़ा करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं। अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया है कि साहब भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, और चुनाव आयोग तो वैसे ही कर रहा था जैसे मोदी सरकार चाह रही थी। ये जो प्ली है ये ठीक वैसी ही नहीं लगती क्या आपको,
जैसी बांग्लादेश के बारे में शुरू की गई थी, क्योंकि बीएनपी ने बहिष्कार किया था चुनाव का, तो अमेरिका की तरफ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। अमेरिका ने भी कहा था कि बांग्लादेश में चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं, हम नजर रखे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। वो एकदम उसी तरह एक माहौल बनाया जा रहा है जैसे पुतिन के खिलाफ बनाया जाता है, नॉर्थ कोरिया में बनाया जाता है, अफगानिस्तान में बनाया गया, इराक। देखिए माहौल कैसे बनता है, माहौल इसका बनता है कि जॉर्ज बुश ने कहा कि इराक पे हमला जरूरी है क्योंकि सद्दाम हुसैन के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके पास खतरनाक हथियार है बड़ी मात्रा में हत्या करने के लिए, और उसके बाद रासायनिक, और जब आपने पूरा इराक रौंद दिया तो कहा साहब वो तो मिले नहीं, वो तो मिले नहीं। बस अंतर सिर्फ एक है साहब, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, नाम इराक है ना अफगानिस्तान है ना बांग्लादेश है ना नॉर्थ कोरिया है ना अफगानिस्तान है ना लीबिया है। जो ऐसा सोच रहे हैं और जो इनकी मदद मांग रहे हैं, दोनों ही दे आर आउट ऑफ द माइंड। चलते चलते एक और विषय पर बात कर लें, इनका एक और बयान आरक्षण के बारे में आया है। सब इनकी पार्टी की नीति कभी नहीं रही कि ये आरक्षण दें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को। कई ऐसी रिपोर्ट थी, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने दबा दी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा दी, एनसीबीसी को इन्होंने कभी अधिकार नहीं दिए। और इससे पहले के चाहे जवाहरलाल नेहरू के पत्र हों सीएम को, जिसमें कहा था कि दलितों को आरक्षण बिल्कुल ना दिया जाए, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वो कहती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, पिताजी कहते थे कि पिछड़े वर्ग वाले तो बुद्धू हैं, 2023 से पहले जितने चुनाव हुए हैं 50 चुनाव तो हुए होंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी हारी है, लोकसभा भी और विधानसभाओं के भी, कभी इन्होंने जात पात की बात नहीं की, कभी 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात नहीं की, कभी कानून में संशोधन की बात नहीं की। अचानक ये एससी एसटी और ओबीसी का भजन गा रहे हैं, और अचानक फिर इनके मुंह से वही निकला अमेरिका में जो इनके परनाना, इनकी दादी और इनके पिताजी, और जो पार्टी इनकी नीति पर चलती रही कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और कब कर देंगे, जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा। निष्पक्षता से क्या मतलब है इनका, और ये फंस गए क्या आरक्षण खत्म करने की बात कह के, दिल की बात जुबान पर आ गई। 1984 में ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मान लें, प्रचार मान लें, पोस्टर मान लें, कैसे दिखाऊं? जी जी, ये 1984 का है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। आपके भाग्य का फैसला कैसे होगा, जाति के आधार पर होगा या योग्यता के आधार पर? तो ये बात उसकी नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये मैं तो राजनीतिक नहीं हूं ना, मैं तो कह सकता हूँ ये बात, मैं तो कह सकता हूँ कि जिस दिन समानता आ जाएगी आरक्षण समाप्त कर दो। ऐसे ही तमाम लोग कह रहे हैं कि आरक्षण समानता आए नहीं आए, पहले इसको समाप्त कर दो। सबकी अपनी अपनी राय है, बात इसकी नहीं है। राजीव गांधी राहुल गांधी को कहता है कि जहां बैठो उसके मन की बात कर दो, वहां पे कुछ लोगों को लगा कि ये आरक्षण विरोधी है तो उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान दिया। मेरा मतलब कुछ और है, मेरा कहना ये कि सिर्फ एक मोहन भागवत ने इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा कर लो और भाजपा का चुनाव हार गए, तो सवाल ये कि अगर यही बयान कोई और देता तो क्या होता। अच्छा, बयान सिर्फ आरक्षण पे नहीं है, इन्होंने ये भी बयान दिया है कि चीन ने हमारा इतना बड़ा भूभाग कब्जा करा है जो कि दिल्ली का एरिया है, दिल्ली स्टेट का एरिया है। मतलब किस बेशर्मी से कहते हैं, जिस बात का सबूत नहीं है उसको बात कर रहे हो, और जो 1962 से अभी तक अक्साई चिन्ह तुम्हारे परदादा देके बैठे उस पर चर्चा नहीं करते हो यार, मतलब गजब की बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात, चलते चलते ये जिक्र जरूर करेंगे कि साहब कांग्रेस के अंदर भी अब विरोध के सुर आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह का मंत्री का जो बयान था, विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विक्रमादित्य सिंह के बगल में बैठ के विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए नजर आए, जो बयान था कि मस्जिद अवैध है, गिराई जानी चाहिए, उसके बारे में मुझे एक लगता है कि उसको लेकर कांग्रेस का जो गांधी परिवार ये पैनिक कर गया। तो आज जब प्रदर्शन हुआ तो मैंने देखा बड़ा जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ था,
बड़ा जबरदस्त लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ, सब कुछ हुआ। बस मेरी सुक्खू सरकार से इतनी उम्मीद है कि गांधी परिवार को खुश करते करते कहीं वो 1990 के मुलायम सिंह बनके अयोध्या ना दौड़ा दे। ओंकार जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आज संजौली में शिमला के पास जो कुछ हुआ है वो ये शो करता है कि अब ऊपर से प्रेशर डाला गया है सुक्खू सरकार पर, वरना सदन में उस दिन मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अवैध है तो कार्रवाई होगी, लेकिन तारीख कौन सी दिलवा दी गई नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा, 5 अक्टूबर, इतनी लंबी तारीख दिलवा दी गई कि अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इतना संजीदा मामला, इतना संवेदनशील मामला, हजारों लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अराजक तत्वों का जमावड़ा है संजौली के पूरे मार्केट में। क्या करें नगर निगम, वो तो आरटीआई में लिख के दे चुका है अवैध है, वो तो आरटीआई में सरकार लिख के दे चुकी है अवैध है, और गौतम करके एक दलित व्यक्ति ने इस मामले को उठाया है, कमल गौतम उनका नाम है, हाँ, और उसको आज पुलिस ने पकड़ लिया, मैं देख रहा हूँ, उनको सेवा से भी नहीं, सस्पेंड कर दिया सरकारी सेवा से, और सरकार इस पे वही उन्होंने आरटीआई डाली थी कमल गौतम ने। पहाड़ी राज्य जो शांत रहता था वो अब सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।